नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। 2000 के नोट को 6 साल और पूरे 6 महीने के सफर के बाद कल आरबीआई ने सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। आने वाले 4 महीने के अंदर 2000 के नोट को बैंक में वापस करना होगा। जो है एक तरफ सत्ता पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रही है तो विपक्ष इस मामले को लेकर जमकर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वह इस फैसले को लेकर आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। आरबीआई की तरफ से कल 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया और आपको बता दें कि 30 सितंबर से पहले ये नोट कहीं ना कहीं बैंक में वापस हो जाएंगे और साथ ही साथ सर्कुलेशन से भी बाहर हो जाएंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश में सियासी पारा तेज हो गया है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में है। राजधानी लखनऊ के आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता है, इनके साथ है इनके संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं। हम इनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर व्यापारियों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर संजय गुप्ता जी हमें ये बताएं कि आप व्यापार मंडल का कहीं ना कहीं व्यापारियों के एक नेतृत्व करते हैं, तमाम प्रतिक्रिया आ रही होगी, अगर बात करें तो क्या किस तरह का असर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार ये 2000 के नोट का चलन बंद होने से बाजार पर या व्यापारियों पर कोई विपरीत और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश धीमे धीमे डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा, नगद रहित अर्थव्यवस्था की तरफ देश बढ़ गया है और मैक्सिमम व्यापार इस समय का जो हमारे पास पेमेंट आता है रिटेल व्यापारियों के पास, तो वो या तो कार्ड से पेमेंट होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, या IMPS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, RTGS के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से इस तरीके से पेमेंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में 2000 का नोट पहले ही काफ़ी समय से आमद बहुत कम हो गई है। अगर ATM से आप पैसे निकालेंगे तो आपने देखा होगा पिछले साल दो साल से या उससे अधिक समय से 2000 के नोट ATM में फीडिंग होना बंद हो गए थे। बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक में भी अगर आप पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो वहाँ से भी आपको 2000 के नोट वापसी में बहुत कम मिल रहे थे। RBI के एक आकलन के अनुसार 88% पैसा बाजार में चलन में नहीं है, 12% पैसा मात्र जनता के पास है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता को इस बार समस्या नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई व्यापारियों के द्वारा टैक्स दिए गए पैसे से ही ये नोटों को छापा गया है। ये जो नोट का कागज होता है ये बड़ा महंगा होता है, दुर्लभ कागज होता है और सबसे महंगा कागज होता है। तो इसमें जो छपाई में पैसा खर्चा किया गया करोड़ों अरबों रुपया, ये कहीं ना कहीं देश की गाढ़ी कमाई का नुकसान है। अभी बात कर रहे थे डिजिटल पेमेंट की, अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट का एक बेहतर माध्यम मंच बन चुका है, लेकिन खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अभी कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट अपना पैर नहीं पसार चुका है। लखनऊ ग्रामीण में भी यही स्थिति है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से काफ़ी लोग अभी आए हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी ऑनलाइन पर नहीं आ पाए हैं, डिजिटल पेमेंट के मोड पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन 2000 का नोट का जो संबंध इस समय हम बात कर रहे हैं तो 2000 का नोट मार्केट में नहीं है, आम जनता के पास 2000 का नोट नहीं है। इस फैसले से नुकसान होगा वो जो लोग काले धन का प्रयोग कर रहे थे, काले धन के रूप में जो जमा कर रहे थे, संकलन कर रहे थे, उनका नुकसान होगा। वो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो बड़े बड़े ठेकेदार हों, लेकिन आम जनता को इस बार इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने बताया दूसरा पक्ष इसका जो है जिससे हम लोग को आक्रोश है या गलत हमको लग रहा है वो ये है कि आपने पैसा एक बार शुरू किया, चलाया, उसको फिर बंद किया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की करेंसी की नकारात्मक छवि दूसरे देशों में बनेगी कि इनकी करेंसी जल्दी जल्दी बंद हो जाती है। जैसे हमारे पास का देश है नेपाल, तो नेपाल में जब पिछली बार गया तो नेपाल में भारत की करेंसी चलती है, तो उन लोगों को एक्सचेंज करने में भारी असुविधा होगी। तो ये समस्याएं हैं और देश जो पैसा छापने में और पूरे बैंक को आपने पूरे देश के बैंकर्स इसमें लगे थे, सारा स्टाफ इसमें लगता है रिकलेक्ट करने में, तो कहीं ना कहीं उस श्रम का भी नुकसान है और धन का भी नुकसान है। तो सरकार को कोई भी योजना सोच समझ के शुरू करनी चाहिए, कोई भी करेंसी सोच समझ के शुरू करें, जल्दी जल्दी बंद करना ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। लेकिन इस बार बाजार में पैनिक नहीं होगा, जनता में पैनिक नहीं होगा और जनता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे भी व्यापारी होंगे जो कहीं ना कहीं अपने व्यापार के पैसों को अभी भी जमाखोरी कर रहे होंगे, और बात करें तो अगर वो वापस कर रहे हैं तो महीने में अगर बात करें तो 20,000 ही रुपए आप एक्सचेंज कर पाएंगे, तो व्यापारियों को क्या इससे कोई दिक्कत होगी? नहीं, जिसके पास भी ऐसा पैसा जमा है जिसका वो हिसाब नहीं बता पाएगा,
तो निश्चित रूप से उसको समस्या होगी, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, जिसके पास भी ऐसा पैसा है जिसका वो हिसाब नहीं बता पाएगा उसको समस्या है। लेकिन जिसके पास पैसे का हिसाब है उसे कोई समस्या नहीं है। एक तरफ काले धन के ऊपर फिर से मोदी जी ने पहल करने की कोशिश की है, बाकी उसके साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट दूसरे और हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काले धन पर तो और नकली नोट पर, इन दो चीज़ों पर तो पहल निश्चित रूप से फेल हो गया है। जी, तो साफ तौर से आपने सुना आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब लोग कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, और उन्होंने नोट के बंद होने पर कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को इतनी जल्दी नोट का चलन बंद और शुरू नहीं करना चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अब जो हमारे देश की जनता है, जो हमारे देश का नागरिक है, या यूं कहे कि सबसे ज्यादा जो युवा है वो अब डिजिटल पेमेंट की तरफ स्विच कर चुके हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी तो जनता को नहीं आएगी, लेकिन सरकार को इतनी जल्दी अपनी करेंसी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की इकोनॉमी को हानि पहुंचा सकता है। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।